Hello everyone, continuing with the topic of programming with C++ arrays, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सर्चिंग टेक्निक्स इन एरेज. तो बेसिक ऑपरेशन इन एरेज का कंसेप्ट अब हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो पहला देख रहे हैं वो है सर्चिंग टेक्निक्स इन एरेज. सो सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्चिंग होती क्या है. सो सर्चिंग का मतलब क्या है, सर्च करना किसको बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो सर्चिंग क्या है, सपोज अगर मैं कहता हूँ मुझे एक एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है किसी एरे में, तो वो सर्चिंग कहलाएगी. जैसे इसी एग्जांपल में आप देखो, ये एक एरे है और मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड द लोकेशन ऑफ एरे एलिमेंट 4, कि एरे एलिमेंट 4 की लोकेशन क्या है. तो उसको पता करने के लिए कि कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, उसके लिए हम सर्चिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे. हमें सर्च करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है. सिमिलरली जैसे आपकी क्लास में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लास में हर स्टूडेंट के कुछ रोल नंबर्स होते हैं, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि किस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो मुझे क्लास में सर्च करना पड़ेगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सर्चिंग टेक्निक. दो डिफरेंट टाइप की सर्चिंग टेक्निक्स हैं सिलेबस में, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च. दोनों को आज हम देखेंगे, कंसेप्चुअल वाइज देखेंगे पहले, और एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आई विल शो यू द कंप्लीट प्रोग्राम इन C++ हाउ टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च दोनों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं C++ में, वो भी देखेंगे इसी प्रोग्राम, इसी वीडियो के अंदर. तो पहले देखते हैं लीनियर सर्च. लीनियर सर्च, इन दिस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कंपेयर्ड विद द गिवन एलिमेंट टू बी सर्च्ड फॉर. तो इसमें जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है जब तक कि हमें एलिमेंट मिल ना जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एरे बना देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक एरे हम बना लेते हैं ये, और इसमें एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1, 5, 2, 4, 6 एंड 8. सो दीज आर द एरेज, और इनका जो इंडेक्स है वो हम C++ जब हम बात करेंगे तो इंडेक्स हमेशा हम 0 से लेंगे. सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब अगर मुझे पता करना है इसमें लोकेशन ऑफ एलिमेंट 6, तो क्या करेंगे लीनियर सर्च में, हम 6 को कंपेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें 6 को फाइंड आउट करना है. तो 6 को कंपेयर करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द एरे से. तो 6 को 1 से कंपेयर किया, नहीं मिला, आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट को आगे लेके जाएंगे, काउंटर इंक्रीज करेंगे, 6 को 5 से करेंगे, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, और जब तक हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हम सर्च करेंगे. और अगर पूरे में नहीं मिलेगा, जैसे अगर सपोज आपको 9 सर्च करना है तो नहीं मिलेगा, तो एट द एंड आप प्रिंट कर दोगे एलिमेंट नॉट फाउंड. तो लीनियर सर्च सिंपल है, सिक्वेंशियल सर्च होती है, नाम से पता लग रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट से कंपेयर करना. तो इसका एक एल्गोरिदम है, कैसे काम करता है इसी प्रोग्राम में देखेंगे कैसे काम कर रहा है. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें काउंटर को इनिशियलाइज करना है, और काउंटर को इनिशियलाइज हम करते हैं लोअर बाउंड से. सो काउंटर इज इनिशियलाइज्ड विथ 0. देन यू हैव टू रिपीट दिस 2 स्टेप्स जो मैं अभी लिखूंगा अनटिल काउंटर इज ग्रेटर देन अपर बाउंड. तो जब तक काउंटर आपका अपर बाउंड से बड़ा है तब तक आपको ये दोनों लूप्स चलाने हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स को चलाना है. अब इन दोनों स्टेटमेंट में सिंपल क्या है, सिंपल इसमें हमें कंपेयर करना है, इफ एरे काउंटर इज इक्वल्स टू आइटम. आइटम वो एलिमेंट है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, देन यू कैन प्रिंट एलिमेंट फाउंड. आप ये प्रिंट कर सकते हो सिंपल एलिमेंट फाउंड, और काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करा दो. काउंटर की वैल्यू बेसिकली के एलिमेंट की लोकेशन की वैल्यू. और इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है. एंड देन हेयर यू हैव टू ब्रेक फ्रॉम द लूप ऑल्सो. ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लूप से ब्रेक करना जैसे आपको एलिमेंट मिलेगा. अब इसके ऊपर वर्किंग एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम का. इसमें हमें फाइंड करनी है सपोज लोकेशन 4 की.
फोर एलिमेंट की लोकेशन स्टोप हमें फाइंड आउट करनी है. सो काउंटर इज जीरो. यहां पे आते हैं. इफ ए आर काउंटर इज इक्वल्स टू आइटम. काउंटर की वैल्यू क्या है अभी? काउंटर की वैल्यू है जीरो. तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? सपोज दिस इज एन एरे ए. सो ए ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू फोर. तो ए ऑफ जीरो क्या है? वन. सो वन इज इक्वल्स टू फोर. नो. सो दिस इज रॉन्ग. अगर ये सही नहीं है तो हम कहां पे आएंगे? इस वाले पार्ट में. काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. तो अब काउंटर कितना हो जाएगा? वन. देन अगेन चेक ए आर. वन इज इक्वल्स टू फोर. ए ऑफ वन क्या है? फाइव. नो. सो अगेन. और अब काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू. सो चेक अगेन. ए ऑफ टू इज इक्वल्स टू फोर. नो. सो अगेन काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. कितनी हो जाएगी? थ्री. सो ए ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू फोर. तो अब आप देख रहे हो ए ऑफ थ्री क्या है? फोर. सो फोर इज इक्वल्स टू फोर. सो दिस इज यस. तो क्या होगा अब? एलिमेंट फाउंड. और काउंटर की वैल्यू कितनी है अब? थ्री. सो एट इंडेक्स थ्री. और जब आप ब्रेक कर दोगे तो ये इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा एंड पे. सो दिस इज द वे इट इज डन. अब अगर सपोज करो आपको नाइन के लिए चेक करना था एलिमेंट नाइन, तो यहां तक तो सेम चलेगा, नहीं मिलेगा उसे. बट इसके बाद काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्स. और सिक्स क्या है? ग्रेटर देन यू है. तो हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड. सो बहुत सिंपल है लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करना. सिंपल, आपको एलिमेंट को एक तरह से पार्स करना है, ट्रैवर्स करना है, उसके एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना है जिस एलिमेंट के लिए आप सर्च कर रहे हो. सो दिस इज लीनियर सर्च. और इसका भी हम प्रोग्राम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट अगर आप देख रहे हो लीनियर सर्च में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लीनियर सर्च में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे सपोज फाइंड आउट करना है एलिमेंट एट के लिए, तो मुझे उससे पहले के सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा. तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको बहुत बड़े एक एरे साइज के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करना है और वो एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे साइज है, एट द एंड ऑफ एरे है, तो आपको उससे पहले के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा. तो एक टाइम टेकिंग टास्क है लीनियर सर्च करना. सो इसको बेटर करने के लिए एक और टेक्निक है, दैट इज बाइनरी सर्च. और ये बहुत फास्ट सर्च एल्गोरिदम है. और ये जो बेस्ड है, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर. बट इसमें एक कंडीशन है दैट द एरे मस्ट बी सॉर्टेड. और डाटा आइटम्स इन एन एरे मस्ट बी सॉर्टेड. तो जो डाटा आइटम है वो सॉर्टेड होने चाहिए. सो ये कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए बाइनरी सर्च के लिए, दैट एरे मस्ट बी सॉर्टेड. सो डायरेक्टली एल्गोरिदम पे आ रहा हूं मैं. और इस एल्गोरिदम से इस क्वेश्चन के एग्जांपल को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट होती है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है बाइनरी सर्च के लिए? यू हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, लो एंड हाई. और सी प्लस प्लस की जब हम बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की, तो लो आपका होता है जीरो, दैट इज योर लोअर बाउंड. और जो हाई आपको लेना है वो लेना है एरे का साइज माइनस वन. सी प्लस प्लस की हम जब बात करते हैं. सो आपको कब तक लूप चलाना है? जब तक लो हाई से छोटा या उसके बराबर है, तब तक आपको ये पूरा लूप रन करना है. देन यू हैव टू अगेन डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम मिड. सो बाइनरी सर्च बेसिकली क्या करता है? ये मिडल एलिमेंट से कंपेयर करता है हमेशा. सो इट ऑलवेज कंपेयर्स द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च विद द मिडल एलिमेंट. सो मिड क्या होगा? अगर एक दो आपको लो और हाई दिए हुए हैं, तो उसका मिड क्या होगा? लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू. सो मिड आ गया आपके पास. देन यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू दैट यू हैव टू सर्च. सपोज दैट इज वी. इफ वी इज इक्वल्स टू ए मिड, मिडल एलिमेंट से कंपेयर करना है. अगर हाँ, देन यू हैव टू रिटर्न मिड. इफ v इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो एरे के मिडल से बड़ी है, देन लोअर को हम क्या कर देंगे? मिड प्लस वन. एल्स हाई को कर देंगे मिड माइनस वन. सो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको पहले एक बार
सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ आपको कैसे काम करता है। जैसे ये एलिमेंट है और मुझे इसमें लोकेशन फाइंड करनी है 14 की, ठीक है। सो इनिशियली द एरे इज लाइक दिस, इनिशियली एरे ऐसे है, टेन फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी फोर, और यहाँ पे इसके इंडेक्स एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब शुरू में आते हैं, लो क्या है क्या, लो हो गया जीरो और हाई हो गया साइज माइनस वन। साइज कितना है इसका, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, सेवन। सो हाई इज सेवन माइनस वन, डेट इज सिक्स। आप इसको अपर बाउंड भी कह सकते हो, हाई इज नथिंग बट इट इज द अपर बाउंड वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स एलिमेंट, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू। तो मिड क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा जीरो प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल्स टू थ्री। तो यहां पे हमने मिड की वैल्यू निकाल ली तीन। अब आपको क्या चेक करना है, वी ए मिड के बराबर है क्या, वी क्या है मेरा 14। सो 14 इज इक्वल्स टू ए ऑफ थ्री, क्योंकि मिड के थ्री और ए ऑफ थ्री क्या है इस वक्त, ए ऑफ थ्री है 26। सो दैट इज नॉट करेक्ट, तो ये तो रन नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे इन दो कंडीशन के लिए, क्या मेरा वैल्यू ए ऑफ मिड से बड़ा है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो ये चलेगा। दैट मीन्स हाई क्या हो गया, अब हाई हो गया मिड माइनस वन। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मुझे अगर सर्च करना है 14 और वो मिड वैल्यू से छोटा है, तो मैं मिड वैल्यू के बाद की जितनी वैल्यूज हैं उसमें सर्च करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब बड़ी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एलिमेंट एरे बनाएंगे, सिंपल एक एरे, आप सोचो कि एक एरे बनेगा जिसमें वैल्यूज होंगी ऐसे 10, 14, 19 एंड दैट्स इट। अब देखो जो हाई है वो क्या हो गया, मिड माइनस वन। सो मिड क्या था 3, सो हाई क्या हो गया 2। तो एक तरह से हमने क्या करा, इतना जो एरे है इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको हटा दिया। अब हमें इसमें सर्च करना है। अब दोबारा से देखो इसको चलाओ, आप मिड की वैल्यू निकालोगे, सो अब मिड क्या आएगा, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। सो अब चेक करो 14 इज इक्वल्स टू ए ऑफ 1, तो ये आएगा आपका ट्रू। सो वी कैन से दैट एलिमेंट 14 इज फाउंड एट लोकेशन 1, ठीक है। सो इस तरह से तो हमने ये वाला देख लिया, जब हमने हाई को मिड माइनस 1 किया, जब हमने पीछे का डिस्कार्ड किया। अब सपोज मुझे फाइंड आउट करनी थी लोकेशन 42 की, अब हमें फाइंड आउट करनी है लोकेशन एलिमेंट 42 की, तो क्या करेंगे, पहला तो सेम है, इससे मैच नहीं होगा, बट अब हम क्या करेंगे चेक, ये क्या वैल्यू ए मिड से बड़ी है, यस, क्योंकि ये 42 है, सो 42 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3 दैट इज 26। सो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट मीन्स अब लो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, दैट इज हम इतना पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब आपका एरे क्या बन जाएगा इस केस में, योर एरे विल बी दिस 31, 42 एंड 44, और लो क्या हो गया, मिड प्लस 1 दैट इज 4, 5 एंड 6। अब मिड क्या आएगा इस केस में, मिड नाउ विल बी 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। सो अगर आप चेक करोगे 42 को एलिमेंट ऑफ 5 से, तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर मुझे 42 को सर्च करना था, मुझे कितनी सर्चिंग करनी पड़ी, आई हैव टू डू ओनली टू टाइम्स, दो सर्च करना पड़ा, एक 26 से कंपेयर किया और एक बार हमने सीधा डायरेक्ट 42 से कंपेयर किया, सिर्फ दो सर्च में हमें एलिमेंट मिल गया। अगर इसी को मैं लीनियर सर्च से करता तो कितनी बार करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट 6 टाइम्स। सो यू कैन सी क्लियरली दैट बाइनरी सर्च इज मच फास्टर देन लीनियर सर्च। बस इसमें आपको थोड़ा सा कंडीशन याद रखना पड़ेगा, लो हाई एंड मिड। लो क्या होता है, जीरो, हाई क्या होता है, अपर बाउंड और साइज माइनस वन। हर इटरेशन में आपको मिड की एक नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका एलिमेंट मिड से बड़ा है, अगर आपका एलिमेंट मिड से बड़ा है, तो आप मिड से लेके लोअर बाउंड तक के सारे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर दो। अगर आपका एलिमेंट मिड से छोटा है,
तो आप मिड से लेके अपर बाउंड तक के सारे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर दो, और ये इटरेशन बार बार चलता जाएगा जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाएगा, ये इटरेशन बार बार चलता जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों देख लिए हमने, कंसेप्चुअली देख लिए, एग्जाम्पल से देख लिए, अब इन दोनों की प्रोग्रामिंग देखेंगे। सो नाउ लेट्स गेट टू द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, सर्चिंग टेक्निक्स इन एरेज में। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लीनियर सर्च इन एरेज। तो ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इस प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक्स में रन भी करेंगे। तो पहले एक बार पूरे प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो मैंने मेन फंक्शन लिखा, एक एरे लिया जिसका साइज मैंने लिया 10, आइटम एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं वो वैल्यू लूंगा यूजर से जो मुझे सर्च करनी है, इंडेक्स एक वेरिएबल है जिसमें जिस लोकेशन पे ये आइटम वेरिएबल मिलेगा उसकी इंडेक्स को हम स्टोर कराएंगे, और फाउंड मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया जिसको मैं यूज़ करूँगा ये पता करने के लिए कि मेरे को एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एलिमेंट्स एंटर करे एरे के, तो सिंपल एक लूप चलाया आई को 0 से आई को लेस देन 10 तक, आई प्लस प्लस किया और सी इन में एक एक करके हर एरे के एलिमेंट्स को एंटर करा लिया एरे आई का यूज करके। देन सिस्टम CLS को यूज किया गया ताकि जो करंट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो एरे हमने अभी एंटर किया उसकी वैल्यूज को शो किया है, सिंपल पूरा सेम लूप है ऊपर वाला, बस सी इन की जगह पर हमने क्या यूज करा है सी आउट, क्योंकि हम एरे के एलिमेंट्स को शो करा रहे हैं। देन यहाँ पे हमने क्या करा है, सी आउट में एंटर द एलिमेंट टू सर्च, उस एलिमेंट का हम यूजर से ले रहे हैं जो हमें सर्च करना है और उसकी वैल्यू को आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। देन एक लूप चला रहे हैं जो आई को 0 से लेके लेस देन 10 तक चल रहा है, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये लीनियर सर्च की एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च टेक्निक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे को शुरू से सर्च करना शुरू कर रहे हैं एरे आई से। तो जब ये एरे आई इक्वल्स टू आइटम सर्च हो रहा है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एरे के हर इंडेक्स के एलिमेंट को आइटम जो हमें सर्च करना है एलिमेंट उससे कंपेयर कर रहा है। अगर आपको मिल जाता है, अगर कंपेयर हो जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर आई की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एलिमेंट है वो सेकेंड इंडेक्स पे है, तो आई जब यहाँ पे सेकेंड पे आएगा 0, 1 एंड 2 तो वो मैच कर जाएगा और उसी आई की वैल्यू को हम इंडेक्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद फाउंड को 1 कर दिया, देन ब्रेक, जैसे ही आपको एलिमेंट मिला हम इस लूप से ब्रेक कर गए। देन यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं द एलिमेंट जो सर्च किया आइटम इज फाउंड एट इंडेक्स, जो इंडेक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की। अगर फाउंड 0 रह जाता है, अगर फाउंड जो है वो यही रहता है यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एरे के इंडेक्स के एलिमेंट के लिए आइटम मैच नहीं होता, तो फाउंड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। सो इफ फाउंड इज इक्वल्स टू 0 द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है लीनियर सर्च का। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कोड ब्लॉक्स में। तो ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कोड ब्लॉक्स के अंदर, सेम प्रोग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है हमें, सबसे पहले ये हमें कह रहा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये वाला पार्ट चल रहा है। तो एरे के एलिमेंट्स को एंटर करते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6। तो मैंने 10 एलिमेंट्स को एंटर कर दिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया इसने सी आउट करके दिखा दी मेरे को सारे एलिमेंट्स। नाउ आई हैव टू सर्च, अब मुझे सर्च करना है। सपोज मैं सर्च करता हूँ एलिमेंट नंबर 7, तो क्या होगा, आइटम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, आइटम के अंदर अब वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। और ये एक एक करके सर्च करना शुरू करेगा, सबसे पहले 7 को सर्च करेगा, ये कंपेयर करेगा 1 से, नहीं मिलेगा 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, और जैसे ही मिलेगा इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, जिस लोकेशन पे ये मिला है, और यहाँ से हम ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको रन करते हैं, 7 हमने डाला यहाँ पे। तो देखो अब आपको ये क्या दिखा रहा था, एलिमेंट 7 इज फाउंड एट इंडेक्स 5। आप इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे हमें एलिमेंट 7 मिल गया। तो इस तरह से लीनियर सर्च काम करता है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है लीनियर सर्च का, आप इसे नोट कर सकते हैं, दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च।
अब देखते हैं बाइनरी सर्च इन एरेज कैसे होती है, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। तो शुरू का जो पार्ट है वो सेम है, जिसमें हम ये सारे वैल्यूज को ले रहे हैं, वेरिएबल्स ले रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं, एरे के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसकी वैल्यू को आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है। जैसे मैंने थ्योरी में समझाया था, कब तक चलाते हैं, जब तक बिगिनिंग लास्ट के बराबर या उससे छोटा ना हो, लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, जब तक तब तक हम चलाएंगे। और हर इटरेशन पर हम क्या करेंगे, मिड को कैलकुलेट करेंगे। मिड क्या होता है, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू। और बाइनरी सर्च में हमेशा हम क्या करते हैं, जो आइटम हमें सर्च करना है उसको एरे के मिडल एलिमेंट से सर्च करते हैं। सो इफ आइटम इज इक्वल्स टू एरे मिड, देन इंडेक्स इज योर मिड, फाउंड को वन करा एंड ब्रेक। एल्स कंडीशन क्या होती है, अगर आइटम आपका एरे मिड से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग को मिड प्लस वन कर देंगे, और अगर आइटम आपका एरे मिड से छोटा है तो लास्ट को मिड माइनस वन कर देंगे। और ये पूरा आपका चलता रहेगा लूप में जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। देन सी आउट कराया सिंपल, द एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स। अगर आपका फाउंड जीरो है तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बाइनरी सर्च का मेन कोड है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है बाइनरी सर्च का, और ये वाला जो पार्ट है ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, बेसिक मेन एल्गोरिदम। तो इसको एक बार रन करते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट वही है जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स को एंटर करा रहे हैं। सो एंटर करते हैं एलिमेंट्स, बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एरे के एलिमेंट्स को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में एंटर करना होता है। तो ये मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो ये गलत है, तो इसको एक बार हम एग्जिट करके दोबारा से रन करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप बाइनरी सर्च कर रहे हो तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए। तो अब एरे के एलिमेंट्स को हम सॉर्टेड ऑर्डर में एंटर करते हैं बाइनरी सर्च के लिए। 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19। तो एरे के एलिमेंट्स को इसने शो कर दिया जो हमने एंटर किए थे, और अब ये कह रहा है कि एंटर द एलिमेंट टू सर्च। तो सपोज हम सर्च करते हैं 5 को, तो मैंने लिखा 5। अब देखो 5 क्या है, 5 आपका मिड जो वैल्यू है मिड वैल्यू से छोटा रहेगा, तो इसमें कौन सा वाला पार्ट चलेगा, इसमें आपका चलेगा लास्ट इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। सो रन करते हैं इसे, इसने दिखा दिया द एलिमेंट 5 इज फाउंड एट इंडेक्स 2। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं 0, 1 एंड 2, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आप मिड से बड़ा डालोगे तो कौन सा पार्ट चलेगा, बिगिनिंग इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। सो इस तरह से बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आप लिख सकते हो। बहुत सिंपल है बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखना, सिर्फ ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप सिंपली बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिख सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च। आप इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हो, रन करके देखिए अपने सिस्टम पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सर्च ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।